वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो आज मैं और एक नया वीडियो लेके आया हूँ एसएन वन एसएन टू रिएक्शन में। आज हम क्या देखेंगे, सॉल्वेंट इफेक्ट इन एसएन वन एंड इन एसएन टू रिएक्शन। आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर रेडी हो जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एसएन वन एसएन टू रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें सॉल्वेंट के बारे में जानना पड़ेगा। सॉल्वेंट क्या होता है, रिएक्शन में सॉल्वेंट क्यों यूज़ होता है, सॉल्वेंट कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सॉल्वेंट एक्चुअली में होता क्या है, सॉल्वेंट एक ऐसा स्पीसीज है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब रिएक्शन में सॉल्वेंट क्यों यूज़ होता है, देखो रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को सेम फेज में आना पड़ेगा सो दैट उनके बीच में कॉलिजन्स हो सके। अगर कॉलिजन्स नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करके सॉल्वेंट के फेज में ही या सेम फेज में लाता है सो दैट रिएक्टेंट्स आपस में कॉलिजन करके रिएक्शन कर सके। टू डिसॉल्व द रिएक्टेंट सो दैट द रिएक्टेंट्स कम इन सेम फेज एंड मॉलिकुलर कॉलिजन्स ऑकर सक्सेसफुली। तो ये होता है सॉल्वेंट का यूज या मेन यूज इन रिएक्शन। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्वेंट्स नीड टू बी अनरिएक्टिव टूवर्ड्स द रिएक्टेंट्स। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन होता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, जिसमें सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जैसे ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे देखो 3 डिग्री सब्सटेट है, यहाँ पे H2O है, न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे H2O सॉल्वेंट भी होता है एंड न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ये 3 डिग्री सब्सटेट है इसीलिए यहाँ पे एसएन वन होता है। सॉल्वेंट रिएक्शन का रेट कैसे इफेक्ट करता है, इसमें देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय डिसॉल्विंग द रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स। दूसरा क्या है, कभी कभी सॉल्वेंट रिएक्टेंट की तरह काम करता है, पार्टिसिपेटिंग एज ए रिएजेंट। तीसरा कैसे, डिफरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द सॉल्वेंट। इस पॉइंट को अभी समझते हैं। इस रिएक्शन को देखो, ये एक एसएन टू रिएक्शन है बिकॉज ये सब्सट्रेट क्या है, 1 डिग्री सब्सट्रेट है। यहाँ पे देखो, हमने सॉल्वेंट लिया एसीटोन, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आई माइनस होगा, NaI आयनिक कंपाउंड है तो ये Na प्लस आई माइनस देगा, आई माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो जाएगा Br- Na प्लस के साथ रिएक्ट करके NaBr बना लेगा। अब देखो यहाँ पे एसीटोन का क्या फंक्शन है इस रिएक्शन में, NaI एंड NaBr में व्हिच इज मोर आयोनिक, NaBr ज़्यादा आयोनिक है बिकॉज देखो यहाँ पे कैटायन तो सेम है लेकिन Br- I- में I- का पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है, I- का पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा NaI में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, NaI एंड NaBr में NaI ज़्यादा कोवेलेंट होगा एंड लेस आयनिक होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो,
यहाँ पे ध्यान दो, मोर आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा टेंडेंसी होता है मोर पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना, या हाईली पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना, सच एज H2O। लेस आयोनिक कंपाउंड का टेंडेंसी होता है लेस पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना, सच एज एसीटोन। तो देखो NaI एंड NaBr में NaI लेस आयोनिक है, इसलिए इसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा एसीटोन में डिजॉल्व होना। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन, देन NaI विल बी मोर सॉल्युबल कंपेयर टू NaBr इन एसीटोन। यहाँ पे देखो NaI एसीटोन में ज़्यादा सॉल्युबल है, NaI यहाँ पे रिएक्टेंट है, अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो रिएक्शन अच्छे से होगा। और यहाँ पे देखो जो NaBr प्रोडक्ट बन रहा है वो एसीटोन में कम सॉल्युबल है, मतलब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड से प्रोडक्ट गायब हो रहा है। तो रिएक्शन का टेंडेंसी क्या होगा, रिएक्शन का टेंडेंसी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, मतलब प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, मतलब रिएक्शन अच्छे से होगा, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एसीटोन रिएक्शन का रेट बढ़ाने में हेल्प करता है। अच्छा, सॉल्वेंट कभी कभी कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जैसे इस रिएक्शन को देखो, ये एसाइल क्लोराइड है, हमने लिया एक अल्कोहल, अब यहाँ पे ये अल्कोहल एसाइल क्लोराइड को अटैक करेगा और यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। इस रिएक्शन में हम पिरिडीन को लेते हैं, पिरिडीन ऐसा होता है, ये थोड़ा बेसिक होता है, पिरिडीन को हम लेते हैं एज सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पे इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और ये Cl- निकल जाएगा। ये एक्चुअली में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा भी है, Cl गया और ROH लग गया। तो यहाँ पे देखो ये होगा पहले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, अब पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पिरिडीन थोड़ा बेसिक होता है, तो पिरिडीन क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेगा तो ऐसा होगा, अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में Cl माइनस निकलेगा, ये Cl माइनस H प्लस को लेके, H प्लस को लेके वापस से पिरिडीन जैसा था वैसा ही बना देगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे पिरिडीन सॉल्वेंट है एंड कैटलिस्ट भी है, देखो पिरिडीन तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, वापस से हमें पिरिडीन मिल गया है। आपको पता ही है कैटलिस्ट जैसे हम पहले लेते हैं बाद में वैसा ही मिल जाता है। हियर पिरिडीन एक्ट एज बेस कैटलिस्ट। सॉल्वेंट और एक तरीके से भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर सकता है बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है एंड Cl- बन रहा है, अब मान लो H2O है सॉल्वेंट, अब H2O के पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, नया बॉन्ड इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए स्टेबलाइजेशन मिलेगा, मतलब कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ एसिटोन रिएक्शन में ये वाला स्टेप क्या होता है, RDS होता है, तो कार्बोकैटायन जो बन रहा है दैट इज़ गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय द सॉल्वेंट।
तो कार्बोकैटायन का अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे सी एल माइनस लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी यहाँ पे सॉल्वेंट से स्टेबिलाइज हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पे सी एल माइनस के सराउंडिंग में और भी एच टू होगा, तो सी एल माइनस सॉल्वेटेड हो जाएगा, मतलब सी एल माइनस स्टेबल हो जाएगा, लिविंग ग्रुप स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट ऐसे इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करके रिएक्शन का रेट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का दो टाइप होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट हम उसी को बोलेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो या नियरली जीरो हो। अच्छा, सॉल्वेंट को क्लासिफाई करने के लिए या सॉल्वेंट का इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए या सॉल्वेंट का पोलारिटी मेजर करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। पोलारिटी ऑफ सॉल्वेंट इज मेजर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट का इफेक्टिवनेस या पोलारिटी बढ़ जाएगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट को ऐसे भी क्लासिफाई किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से कम होता है। अच्छा, यहाँ पे देख लो CCl4 बेंजीन CH2, ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है और ये सब यूज होता है एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर में क्या होगा, पोलर में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 5 से ज़्यादा होता है। ऐसा एग्जांपल क्या है, H2O इथेनॉल एटसेट्रा। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक। अभी पोलर प्रोटिक एंड अप्रोटिक को हमें थोड़ा डिटेल में देखना है, यही इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 रिएक्शन में। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब ऐसे सॉल्वेंट के पास इस टाइप का लिंकेज रहता है, हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू नाइट्रोजन या हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू फ्लोरीन। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं क्राइटेरिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मतलब सॉल्वेंट के पास ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे देखो H2O में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इथाइल अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अच्छा, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना। चलो अभी देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है H2O और कैटायन है X+। अब X+ कैसे सॉल्वेट होगा, देखो H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। हाइड्रोजन छोटा एटम है तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का डेंसिटी ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो X+ है, ये X+ इस डेल्टा नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर सकता है थ्रू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे और भी H2O मॉलिक्यूल X+ के सराउंडिंग में रहेगा तो इससे क्या होगा, ये कैटायन सॉल्वेट हो जाएगा बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम एनायन लेते हैं Y-, ये भी सॉल्वेट हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। यहाँ पे देखो H2O है ऐसा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। अब Y- क्या कर सकता है,
हाइड्रोजन के ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव है उसके साथ आयन डाइपोल इंटरैक्शन कर सकता है, तो यहाँ पे वाई माइनस भी स्टेबल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन एनायन दोनों सॉल्वेट हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाता है। अब देखो पोलर इप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर इप्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, डज नॉट हैव हाइड्रोजन एटम दैट इज केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इप्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। तो एग्जांपल देख लो, यहाँ पे एसीटोन है, यहाँ पे देखो एसीटोन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। इसके बाद ये डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। DMF ये भी नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, DMA डाईमिथाइल एसीटामाइड ये भी नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद देखो एसिडोनाइट्राइल ये भी नहीं बनाएगा, डाइक्लोरोमीथेन ये भी नहीं बनाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये भी नहीं बनाएगा। उसके बाद देखो हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे सारे सॉल्वेंट का एग्जांपल दिया है, पोलर इप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल दिया है, इन एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा पोलर इप्रोटिक में नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होते हैं क्राउन ईथर। अभी क्राउन ईथर क्या होता है, क्राउन ईथर एक साइक्लिक कंपाउंड होता है एंड साइकिल के अंदर सेवरल ईथर ग्रुप होता है। देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर देखो ये ईथर लिंकेज है, ये ईथर लिंकेज है, ये ईथर लिंकेज है, बहुत सारे ईथर लिंकेज होते हैं। और यहाँ पे देखो क्राउन ईथर के अंदर रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, CH2CH2O, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्सी यूनिट। देखो यहाँ पे ये CH2 है, ये CH2 है और ये O है, तो ये वाला देखो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में 3 रिपीटेटिंग यूनिट है। और इस केस में कितना होगा, टोटल 4 रिपीटेटिंग यूनिट होगा। अच्छा क्राउन ईथर का नाम देखो कैसे हो रहा है, इस कंपाउंड का नाम है 9-Crown-Ether, 9-Crown-3-Ether। ये कैसे हुआ, 9 का मतलब क्या है, रिंग में कितना एटम लगा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिंग में 9 एटम लगा है इसलिए 9। उसके बाद क्राउन, उसके बाद देखो 3 ऑक्सीजन एटम है इसलिए 3, उसके बाद लास्ट में है ईथर। इस वाले के लिए देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 12-Crown-4-Ether। इसमें भी देखो रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 एटम लगा है एंड 4 ऑक्सीजन एटम लगा है, इसलिए इसका नाम है 12-Crown-4-Ether। पोलर इप्रोटिक का एग्जांपल तो हो गया, अब इसका फंक्शन क्या है, इस पॉइंट को अच्छे से देखो। पोलर इप्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट ओनली कैटायन नॉट एनायन। पोलर प्रोटिक क्या कर रहा था, पोलर प्रोटिक कैटायन एनायन दोनों को स्टेबिलाइज कर रहा था, दोनों को सॉल्वेट कर रहा था, लेकिन पोलर इप्रोटिक सिर्फ कैटायन को ही सॉल्वेट करेगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं, मान लो मैंने ले लिया है एसीटोन सॉल्वेंट, ये कैटायन है। अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा। अभी डेल्टा नेगेटिव कैटायन का पॉजिटिव के साथ आयन डाइपोल इंटरैक्शन कर सकता है, ऐसे और भी इंटरैक्शन होगा, तो इससे क्या होगा, कैटायन सॉल्वेट हो जाएगा, मतलब कैटायन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन एनायन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, मान लो ये एक एनायन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है। अब यहाँ पे जब इंटरेक्शन होगा इस कार्बन के साथ वाई का,
तब वाई को स्टेरिक क्राउडिंग फील होगा फ्रॉम दिस एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग इनहिबिट्स या रेजिस्ट सॉल्वेशन ऑफ एनायन। अच्छा, और एक पॉइंट है, पोलर एप्रोटिक में हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हुआ था। हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का साइज उतना छोटा नहीं है। मतलब डेल्टा पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन इन प्रोटिक सॉल्वेंट, इसीलिए एनायन का सॉल्वेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। डेल्टा पॉजिटिव ऑफ कार्बन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इसलिए एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्राउन इथर बहुत ही अच्छे से कैटायन को सॉल्वेट करता है बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो ये एक कैटायन है, अब देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है कैटायन के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो कैटायन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्राउन इथर स्ट्रॉन्गली बाइंड कैटायन टू मेक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायन को तो होगा अच्छे से सॉल्वेशन, लेकिन एनायन का नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा नॉन पोलर जैसा है या थोड़ा हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए एनायन का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। कैटायन तो यहाँ पे रिंग के अंदर ट्रैप हो जाएगा, लेकिन एनायन के साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये जो सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट क्या है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसीलिए एनायन के साथ इस पार्ट का इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट का एक टेबल दिया है और उनका डायलेक्टिक कांस्टेंट भी दिया है। अब यहाँ पे जो पोलर प्रोटिक वाला पार्ट है, यहाँ पे वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इनका जो डायलेक्टिक कांस्टेंट का वैल्यू है, इनको थोड़ा ऑर्डर में याद रखना। सबसे ज़्यादा है वाटर, उसके बाद मिथेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद एसिटिक एसिड, इसको थोड़ा ध्यान रखना। बच्चों, पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट का SN1 SN2 रिएक्शन में क्या रोल है देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन का रेट इंक्रीमेंट करता है या रिएक्शन को फेवर करता है, ये कैसे करता है देखो। SN1 रिएक्शन में RDS में कार्बोकैटायन एंड Cl- बनता है। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। अब देखो SN1 रिएक्शन में RDS में कैटायन एनायन दोनों बन रहा है, मतलब दोनों सॉल्वेटेड हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। मतलब कैटायन या कार्बोकैटायन एंड लिविंग ग्रुप दोनों स्टेबल हो जाएगा, इससे क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। फिर से सुन लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन एंड ये जो लिविंग ग्रुप है, इन दोनों को स्टेबलाइज कर देगा या दोनों को सॉल्वेट कर देगा, इससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा।
आपको पता ही है इन केस ऑफ एसिड ऑन रिएक्शन रेट प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और होता है स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप या लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अच्छा ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में पहले एग्जांपल में देखो मैंने सॉल्वेंट क्या लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है एंड सेकेंड एग्जांपल में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू पोलर एप्रोटिक। मतलब ये अगर एग्जांपल वन है और ये एग्जांपल टू है तो रेट वन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू टू। अच्छा अगर सॉल्वेंट का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का डायलेक्टिक कांस्टेंट इंक्रीमेंट होता है तब भी SN1 का रेट इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लो एक बार मैंने सॉल्वेंट लिया है H2O और एक बार मैंने सॉल्वेंट लिया है CH3OH। अब H2O एंड CH3OH में H2O का डायलेक्टिक कांस्टेंट ज़्यादा है। H2O CH3OH दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, दोनों सॉल्वेंट में एसिनॉन का रेट ज़्यादा होगा लेकिन H2O में डायलेक्टिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है इसलिए रेट ऑफ वन विल बी ग्रेटर देन टू। मतलब अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का डायलेक्टिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो एसिनॉन रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा SN1 रिएक्शन में रेट लॉ ये होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू होता है सबस्ट्रेट रेट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर सकता है लेकिन सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा रिएक्शन के रेट में बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व भी नहीं है रेट इक्वेशन में। ठीक है तो ये इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। SN2 रिएक्शन किस में अच्छे से होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन का रेट को इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसा क्यों? तो SN2 रिएक्शन के लिए रेट लॉ ऐसा होता है, तो यहां पे देखो रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, मतलब सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय द सॉल्वेंट विल हैव सम इफेक्ट इन द रेट। ठीक है SN1 में क्या हुआ था, SN1 में रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं था इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं था लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन का इफेक्ट रहेगा। तो देखो प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा, प्रोटिक सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। आपको पता ही है प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन दोनों को ही सॉल्वेट कर देता है, न्यूक्लियोफाइल एनायन है तो प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा। इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डिक्रीज्ड। देखो जब न्यूक्लियोफाइल प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेशन करेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट करेगा डेल्टा पॉजिटिव ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज उतना अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी डिक्रीज्ड। इससे क्या होगा, रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा और एक पॉइंट है, अगर सॉल्वेशन होता है
न्यूक्लियोफाइल का बाई सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्टिव साइज इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस ड्यू टू सॉल्वेशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर साइज बढ़ जाएगा, आपको पता ही है SN2 रिएक्शन में स्टेरिक फैक्टर या बल्किनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बढ़ जाता है तो रिएक्शन का रेट स्लो हो सकता है। तो इन दो पॉइंट के कारण पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों होता है, देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता है। इसका मतलब इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल विल नॉट बी सॉल्वेटेड। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एनायन है, तो न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेटेड नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ विल नॉट बी हैम्पर्ड। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हैम्पर नहीं होगा, इसीलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिएक्शन इन पोलर प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिएक्शन इन प्रोटिक सॉल्वेंट। इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे दोनों 1° सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट सेम है, और N3- या एजाइड यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस वाले में, पहले वाले में देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया गया है, सेकेंड वाले में देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमें रेट पूछा जाता है तो रेट ऑफ टू विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ वन, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट का और क्या इफेक्ट है, कुछ और एग्जांपल से देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने डाउन द ग्रुप कुछ न्यूक्लियोफाइल का केस लिया है। अच्छा यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट में सारे न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीमेंट होगा, अगर साइज इंक्रीमेंट होगा सॉल्वेशन क्या होगा, सॉल्वेशन डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे I- एंड F- में सॉल्वेशन किसका अच्छा होगा, सॉल्वेशन अच्छा होगा F- का। अगर F- का सॉल्वेशन अच्छा होता है तो उसका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा या उसका चार्ज उतना अवेलेबल नहीं रहेगा कंपेयर टू I-। तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट में पूछा जाए F- एंड I- में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, आंसर होगा I-। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने से साइज इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉल्वेशन डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अवेलेबिलिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का तो सॉल्वेशन नहीं होगा, सारे न्यूक्लियोफाइल क्या रहेंगे, सारे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रहेंगे निकेड आयन जैसा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीमेंट होता है,
मतलब एफ माइनस एंड आई माइनस में एफ माइनस का साइज छोटा होता है, तो एफ माइनस के पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए एफ माइनस अच्छा बेस होगा, इसीलिए एफ माइनस अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए एफ माइनस का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने से, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली में बेसिसिटी डिक्रीज होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हो जाएगा ऐसा, पूरा उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन में एस एन टू का रेट कंपेयर करना है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, सबस्ट्रेट हमने सेम लिया है, वन एंड टू में दोनों में हमने सबस्ट्रेट सेम लिया है, सॉल्वेंट भी हमने सेम लिया है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अलग अलग लिया है। अब डीएमएसओ क्या है? डीएमएसओ यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सीएल माइनस एंड आई माइनस में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा? सीएल माइनस का होगा, इसीलिए एस एन टू रेट वन में ज़्यादा होगा कंपेयर टू टू। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर भी सबस्ट्रेट सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, सॉल्वेंट सेम लिया है, न्यूक्लियोफाइल को चेंज किया है। H2O क्या है? H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में Cl- माइनस एंड आई माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एस एन टू रिएक्शन का रेट क्या होगा? एस एन टू रिएक्शन का रेट होगा 2 greater than 1। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखेंगे, एंड उसी वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऊपर सॉल्वेंट का डिटेल इफेक्ट अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।